सामने कई ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ पर शहर में जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने काम इस वक्त लगाया हुआ है, काम चल रहा है। लाल चौक में अगर आप देखेंगे, घंटाघर में देखेंगे तो बहुत सारे अपग्रेडेशन के काम चल रहे हैं, सिटी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो काम जोरों शोरों पर जारी है डिस्पाइट हार्श वेदर। अगर आपने देखा हो तो बर्फ़ थी, उसके दौरान भी जो काम पॉसिबल थे, उस जिस नेचर के काम पॉसिबल थे वो काम जारी रहे। और अब मौसम खुल रहा है तो कामों में और ज़्यादा तेज़ी आएगी, गति आएगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डे नाइट शिफ्ट्स में काम होगा। तो हम G20 होने जा रहा है, जैसे आपने मुझे पूछा है, तो बड़े फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है ये कि शहर श्रीनगर में G20 के लिए श्रीनगर शहर को मंतखब किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीनगर शहर के लोग, पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगी और हमारे सिविल सोसाइटी इस बात को वेलकम करेगी और पूरा तावन करेगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्शन है कि इस शहर को G20 के लिए मुंतखब किया गया है। सर, यहाँ पे जो डेवलपमेंट, तो क्या आपको लगता है G20 से पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, टारगेट वही दिया गया है और ये कंप्लीट किए जाएंगे। सर, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो अभी ऑनगोइंग चल रही है, तो 5 मरला 10 मरला वालों के साथ LG साहब ने बताया कि किया जाएगा, बट वी आर परसों SMC ने भी ऑर्डर निकाला, जो भी एनक्रोचमेंट दूर गंगा पे है तो उनको हटा दिया जाएगा आफ्टर 7 डेज, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें आपने खुद ही बता दिया, आपने